गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू लूज ग्रेवल फ्रॉम जस्पा अगेन। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से अभी अमृतसर के लिए। हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया एंड वी थॉट वी विल बी यू नो आगे लूँ क्या थोड़ा आगे बंद करो बंद करो आगे ले तो प्लान है थोड़ा अमृतसर जाने के लिए। अमृतसर में थोड़ा गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर हम लोग देन वी विल लीव फॉर दिल्ली और फिर वहाँ से वापस मुंबई जाएंगे। सो दैट इज़ दी प्लान। आइए जर्नी शुरू करते हैं। हम लोग सोचे थे थोड़ा और जल्दी निकलेंगे लेकिन नहीं हो पाया, बट अच्छा खासा सो के हम लोग फ्रेश हो गए अभी और आज के दिन की जर्नी के लिए 100% रेडी है। चलिए निकलते हैं फिर। दोस्तों देखिए वो ऊपर बर्फ के ऊपर जब भी सूरज की पहली किरण पड़ रही है, रेड कलर का दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिखता है वो। Turn right to stay on National Highway 3. So, दोस्तों फाइनली हम लोग अबाउट 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद अटल टनल के पास पहुंच गए हैं और यहां से हम लोग टनल क्रॉस करके विल गो टुवर्ड्स मनाली साइड। यहां से अगर सीधे गए तो हम लोग स्पीति वाला कोक्सर का कोक्सर वाला रास्ता ले सकते हैं स्पीति जाने के लिए सीधा गए तो, और यहाँ से हमारा अटल टनल का कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 3 फॉर 12 किलोमीटर्स। सो दोस्तों अभी हम लोग पहाड़ों को अलविदा करते हुए मंडी क्रॉस कर लिया है और अभी जा रहे हैं हम लोग अमृतसर की तरफ। दोस्तों हम लोग मंडी के पास एक जगह पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके भी हम लोग निकल रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और प्याज पराठा। और ये है वो शराबी भोजनालय। वाह, यहाँ पे हम लोगों ने प्याज और आलू के पराठे खाए। शबरी शबरी नॉट शराबी, शबरी भोजनालय। मैं भी सोचा क्या हुआ। ये है वो मंडी का इलाका, ये जाती है मनाली की तरफ और ये जाती है चंडीगढ़ की तरफ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3 और हम लोग जलंधर पहुंच चुके हैं और जलंधर से अमृतसर की तरफ जा रहे हैं और 74 किलोमीटर है तो 65 किलोमीटर में अपने को होटल वगैरह देखना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि होटल में ही गाड़ी वगैरह रख के हम लोग जाएंगे गोल्डन टेंपल की तरफ और वहाँ पे थोड़ा गोल्डन टेम्पल का दर्शन करेंगे और करके अगर टाइम मिला और जलियांवाला बाग खुला रहेगा तो वो देखते हुए वापस अपने होटल में आ जाएंगे। सो रास्ता तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे
और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी दिस इज ये करतारपुर भी यहाँ से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है, तो आई डोंट नो इट इज़ द सेम करतारपुर जो पाकिस्तान वाला है जहाँ पे कि वो लोग गुरुद्वारा में दर्शन के लिए ओपन किया है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ द सेम प्लेस, बट यहाँ पे करतारपुर दिखा रहा है 4 किलोमीटर। थोड़ी देर पहले ही हम लोग एक राइट टर्न जो छोड़ के आए, दैट वाज होशियारपुर का टर्न, और यहाँ से एक मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर और रहेगा शायद अमृतसर के लिए। दोस्तों फाइनली हम लोग अमृतसर पहुंच गए और वी आर नाउ चेकिंग इन हयात रीजेंसी। अभी हमारा बुकिंग चल रहा है, जैसे ही बुकिंग कंप्लीट होता है विल गो टू द रूम, थोड़ा फ्रेश होकर के देन विल गो टू द गोल्डन टेम्पल। सो आइए आपको क्विक एक रूम टूर देता हूं और फिर निकलते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। सो दोस्तों ये है हमारा रूम टूर, दिस इज़ द एंट्री। यहाँ पे हमारे पास कुछ कबर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी है, एक बेडरूम मतलब बेड, यहाँ पे एक छोटा सा और बेड है, दिस इज़ लैपटॉप एरिया, दिस इज़ अ वॉशरूम एरिया, यहाँ पे दिस इज़ अ बाथिंग एरिया। सो दिस इज द एग्जिट ऑफ द बाथरूम। सो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ और अभी जाएंगे अंदर, वहां पे शायद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं यहां से आपको दिखाता हूं। Golden Temple, such a beautiful look you can see.